वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपके लिए बिल्कुल हलवा स्टाइल में चौले की सब्जी लाए हैं। चौले की रेसिपी मैं आपको अलग अंदाज में बनाऊंगी और सिखाऊंगी, आप अवश्य बनाएं। इस अंदाज में चौले की सब्जी आप जरूर एक बार बना करके देखें तो देखिए कितनी टेस्टी लगती है। और जो हम शादियों में खाते हैं वो भी उसके आगे फैन है। इतनी बढ़िया चौले की सब्जी मैं बना करके आपको बताऊंगी। जो हमारे घर में मसाले हैं उन्हीं से मैं बताऊंगी। चौले की सब्जी के लिए ये देखिए 300 ग्राम चौले मैंने जो 4 घंटे पहले मैंने भिगो के रख दिए थे, ये अच्छी तरह से भीग गए हैं और मैंने इनमें 3 सीटी दे करके और इन्हें बॉईल कर लिया। ये देखिए इसमें डलने वाली सामग्री देखिए, ये है प्याज प्यूरी, 2 बड़े प्याज मैंने ग्राइंड कर लिए थे और 3 टमाटर जिन्हें भी मैंने ग्राइंड कर लिया था। इसके अलावा तेज पत्ते हैं ये, और थोड़ी लौंग है और कुटी हुई इलायची है और 2 लाल मिर्च मैंने ले ली है इसमें हमें बघार में डालने के लिए। इसके अलावा इसमें देखिए तो 1 चम्मच गरम मसाला, ये हरी मिर्च है जो 3 हरी मिर्च मैंने काट करके ले ली है, और ये गार्लिक जिंजर पेस्ट जिसे मैंने दरदरा पीस लिया है, और ये हरा धनिया कटा हुआ। अभी सारे मसाले डालेंगे इसमें, नमक मिर्ची हल्दी धनिया जीरा राई और ये 2 पिंच हींग। अब मैं बनाना बताती हूँ आपको। देखिए कढ़ाई में हमने ऑयल डाल दिया है, ऑयल हमारा गर्म हो रहा है। जब तक हमारा ऑयल गर्म होता है हम इसमें मसाले डालने की तैयारी करते हैं। देखिए ऑयल हमारा गर्म होने जा रहा है, अब हम सबसे पहले इसमें डालेंगे जीरा। देखिए जीरा चटकने लगा है। फिर 1 चम्मच हम डालेंगे इसमें राई दाना। अब इसके बाद में हम डालते हैं तेज पत्ते, तेज पत्ते डाल दिए, और बड़ी 2 इलायची, ये जो डोडा इलायची आती है ये दोनों डोडा इलायची, और ये लाल मिर्ची आखी लाल मिर्च जो मैं डाल रही हूँ, और ये 4-5 हमने लौंग और दरदरा कुटी हुई काली मिर्ची डाल दी। अब इसको हम हिलाएंगे। अब इसमें हम ये 2 पिंच हींग डाल रहे हैं, ये हींग डाल दी हमने। अब सबसे पहले हम इसमें डालेंगे प्याज की प्यूरी। इसका मेन सीक्रेट दोस्तों यही होता है कि इस प्याज को हम धीमे आंच में इतना पकाएंगे कि यह बिल्कुल गुलाबी कलर का हो जाए। इसमें हम जल्दी नहीं करेंगे और प्याज को हम पकने देंगे। ये देखिए दोस्तों हम प्याज को देखते हैं, ये आधे से ज़्यादा पक गया है। अब हम इसमें ये जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देंगे। ये देखिए ये जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दिया हमने, ये देखिए। अब साथ ही हम इसमें हरी मिर्ची जो कटी हुई थी वो डाल देंगे और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर ही इसको पकाएंगे। बस इसमें टाइम ज़रूर लगता है लेकिन इतना स्वाद लगता है ये है कि आप उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाएंगे। ये देखिए जब तक कि प्याज ऑयल नहीं छोड़ दे जब तक हम इसको पकाएंगे। प्याज हमारा भुन चुका है और अब हम इसमें ये 1 चम्मच गर्म मसाला डालेंगे, डाल दिया है, और हम इसमें जो टमाटो प्यूरी थी वो डाल देंगे। अब टमाटो प्यूरी को भी हम इसी तरह से हिलाते हुए और पकाएंगे जब तक कि यह ऑयल नहीं छोड़ दे। ये टमाटो और प्यूरी हमारी पक चुकी है, अब हम इसमें मसाले डालते हैं। हम इसमें 1 चम्मच नमक डालेंगे और 1 चम्मच हम इसमें हल्दी डालेंगे, ये 1 चम्मच हल्दी, और 2 चम्मच हम इसमें मिर्ची डालेंगे, ये देखिए, और 2 चम्मच धनिया पाउडर, और इसको हिला दें। देखिए सारे मसाले ने अपना
जो है तेल छोड़ दिया है दोबारा से, यानी कि ये अच्छी तरह से पक चुका है। अब हम इसमें हमारे चावले जो हमने रखे थे, वह चावले 2-3 मिनट हमने पका लिया। अब इसमें हम जो चावले थे, ये मैं चावले उबालते समय चावले का पानी कभी भी नहीं फेंकती हूँ मैं, ये देखिए इतना ही पानी डालती हूँ ताकि इसमें एक्स्ट्रा ना रहे। और ये हमने डाल दिए हैं, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है इसका, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, ये खाने में भी उतना ही स्वादिष्ट लगता है, ये देखिए। अब हम इसको 10 मिनट के लिए और पकने देंगे। ये देखिए सब्जी हमारी बनने आई है, ये देखिए। आप भी जब चावले उबालें तो इसमें उतना ही पानी डालें जितना कि चावले उबल जाए, उस पानी को फेंके नहीं, क्योंकि उसमें विटामिन्स होते हैं, न्यूट्रिशन होते हैं, तो ये बहुत पौष्टिक होता है। सब्जी हमारी लगभग बन गई है। इसमें हम ऊपर से हरा धनिया डाल देते हैं, ये देखिए। सब्जी कंप्लीट हो गई, हम गैस बंद कर देते हैं, ये देखिए, देखिए कितनी टेस्टी लग रही है ये, बहुत अच्छी। मैंने टेस्ट किया, बहुत उम्दा स्वाद है इसका, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। दोस्तों आप चावले की सब्जी इसी स्टाइल में एक बार अवश्य बनाएं, और आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।